हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द बे ऑफ लव। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन सा एविडेंस जो रहता है रिलेवेंट है ना। तो हम लोग बेसिकली एक लिस्ट पढ़ रहे थे, राइट। तो उस जैसे अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में पढ़ा, तो ऐसे ही हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंस्पिरेसी के रिगार्ड में। अभी जो कंस्पिरेसी होती है ना, ये ऐसी चीज़ होती है बहुत ही सिक्रेसी में होती है, सामने कुछ होता नहीं है, है ना। तो अब इसमें क्या कहते हैं कि एक जनरल रूल होता है। जनरल रूल क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर कोई इंसान कहता है, है ना, या फिर करता है या लिखता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके अगेंस्ट यूज़ करी जाती है, वो दूसरों को बाउंड नहीं करता है, राइट। ये क्या हमारा जनरल रूल है कि दूसरों को बाउंड नहीं करता है, ये एकदम जनरल रूल है। लेकिन क्या है जो कंस्पिरेसी है, है ना, मतलब ये जो कंस्पिरेसी के रिगार्ड में हमने यहाँ पे एक्सेप्शन लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो कंस्पिरेसी में, अच्छा, एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि दो लोग होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो इसमें से एक भी कोई पर्सन कुछ भी कहेगा, है ना, कुछ भी लिखेगा या कुछ भी करेगा, वो दूसरे के अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है, है ना। तो को कंस्पिरेटर के अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। रीज़न क्या है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है कि बहुत ही सीक्रेसी में होता है, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें बाइंड करना ही पड़ता है, ठीक है। और एक और चीज़ है, इन लोग के बीच में कॉमन इंटेंशन भी तो रहता है ना, तो बाइंड किया जा सकता है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी के ऊपर बेस्ड है। मतलब जैसे चार पांच लोग हैं, तो इसमें से एक कोई कुछ भी काम करेगा ना, ये बाकी सब इससे बाउंड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के बीच में क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी है। इनमें से कोई भी कुछ भी एक चीज़ करेगा ना, भले से दूसरे को पता है या नहीं पता है, है ना, जो इन लोगों का कॉमन इंटेंशन है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल बैंक लूटना है ना, अब इसके लिए बैंक लूटने के लिए जो जो चीज़ें करेंगे, या फिर मान लो क्या कहते हैं कि इन लोगों को राइड करना है, ठीक है, राइड करना है, तो अब उस रिगार्ड में जो भी ये चीज़ें करेंगे, ठीक है, कोई गल लेके आएगा, है ना, कोई लोगों को मतलब भड़काएगा, है ना, इंसाइट करेगा, कोई लोग इकट्ठा करेगा, है ना, फिर क्या कहते हैं कि कोई बैरिकेड्स लगाएगा। आप एक इंसान कुछ भी कर रहा है ना, इनमें से कोई भी कुछ भी करे, सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल रूल क्या है, नॉर्मल रूल यही है कि सिर्फ जो जो खुद करता है या बोलता है लिखता है, वही पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने एक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सिर्फ और सिर्फ हम उसी बाउंड कर सकते हैं। लेकिन हम नेसेसिटी में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है, ये बंद दरवाजे के पीछे चीज़ होती है ना, सामने तो होती नहीं है। तो इस वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है यहाँ पे, मतलब ज़रूरी है ऐसा, इस वजह से हम लोग जनरल रूल के थोड़ा सा अलग जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ रीड करो कि ये जो कंस्पिरेसी के रिगार्ड में है, ये कहाँ पे लगेगा, क्या क्रिमिनल केस में लगेगा या सिविल केस में लगेगा, और लगेगा तो कहाँ पे लगेगा और मेंशन कहाँ पे है। तो जब आप इसे रीड करोगे बेयर एक्ट की रीडिंग, वहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके लिए रीड करती हूँ। वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन हैव कंस्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग, ठीक है। तो इस ऑफेंस मतलब क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, ये दोनों पे ही लगेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कहाँ पे लगेगा, तो ये सिविल केस पे भी लगेगा और क्रिमिनल पे भी लगेगा। तो क्या कहने का मतलब है, क्या चीज़ यहाँ पे रेलेवेंट हो रही है ना, अभी थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन आगे रेलेवेंट क्या हो रहा है, रेलेवेंट ये हो रहा है कि अगर कोई भी ये जो चार पांच लोग हैं, इनमें से कोई भी एक कुछ भी कहता है ना, कुछ भी लिखता है, फिर कुछ भी करता है, तो वो दूसरे के अगेंस्ट, दूसरे को कंस्पिरेटर के अगेंस्ट क्या होगा, रेलेवेंट होगा, ठीक है। समझ आ गया कि कैसे होगा। फिर एक बहुत ही लैंडमार्क केस, अच्छा, जो मैंने प्रिंसिपल वाली बात बताया ना कि किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो इसके रिगार्ड में जो केस है, उस केस का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी। इसमें है आईसी नारंग वर्सेस एम्परर, ठीक है। तो मैं साथ ही केस लॉज भी बताते जा रही हूँ, आप लोग इसे बाद में पढ़ भी सकते हो, ठीक है। फिर अगला जो हमारे पास चीज़ आता है वो ये आता है, अब हम इसके करके एक एक एसेंशियल्स देखेंगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर केस है, उस केस के थ्रू हम लोग इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। इस केस का नाम है भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट केस है, अगर आप ये बता रहे हो ना, तो ये केस आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ है ना, रिलेवेंट कराने के लिए, वैसे ही थोड़ी रिलेवेंट हो जाएगा, हवा हवा में कुछ भी बोल दिया गया नहीं ना। तो देखो, सबसे पहले क्या कहते हैं कि ये मतलब जो कोर्ट है ना, उसे इस बात का बिलीव, वो प्राइमा फेसा एविडेंस होना चाहिए इस बात का कि दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, क्योंकि कंस्पिरेसी दो या दो से ज़्यादा लोग की होनी चाहिए ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइमा फेसाई एविडेंस चाहिए। प्राइमा फेसाई का मतलब क्या है, जब कहीं पे भी लिखा प्राइमा फेसाई, तो मतलब ये है कि हमें रीजनेबल ग्राउंड दिखाने हैं,
है ना, बस जस्ट रीजनेबल ग्राउंड से काम हो जाएगा। हमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करने की जरूरत है, रीजनेबल ग्राउंड इज सफिशियंट। ठीक है, ये नहीं कि एकदम पुख्ता सबूत ला के इसका दो। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं कि अब कंस्पिरेसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ये दूसरा पॉइंट है, कंस्पिरेसी है या नहीं है वो कोर्ट को जो को कंस्पिरेटर ने बोला उसके हिसाब से नहीं डिसाइड करना है। वो कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी, इंडिपेंडेंट एविडेंस होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, ये नहीं कि जो कंस्पिरेटर्स हैं उन्हीं के स्टेटमेंट पर रिलाई करके कह रहे कि अच्छा कंस्पिरेसी एग्जिस्ट करता है, अच्छा कंस्पिरेसी एग्जिस्ट नहीं करता, ना ना ना, इंडिपेंडेंस विटनेस चाहिए, इंडिपेंडेंस एविडेंस चाहिए इसके लिए। ठीक है, और वो इन लोगों की बातों पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब सिर्फ सस्पिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर एक बारी प्रूव हो गई कि कंस्पिरेसी है, फिर तो एक बात ध्यान से सुनना, अब एक भी उसमें से दो या दो से ज्यादा लोग हैं, जितने भी लोग हैं, एक ने भी कुछ भी कहा, सेड डन और रिटन एनीथिंग, वो क्या होगा, वो सबके अगेंस्ट क्या होगा, वो सब उससे बाउंड हो जाएंगे, वो सबके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। अब एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, कब से ये सारे एक्स कब से, जैसे मान लो एक कंस्पिरेसी होती है, ठीक है, कंस्पिरेसी होती है, तो जैसे मैं इलस्ट्रेशन ही रीड करती हूँ, चलो यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा इलस्ट्रेशन है, क्या कहते हैं कि ये था कि कुछ लोगों ने मिलकर कंस्पिरेसी करी, ठीक है, कि वो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर वेज करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब वॉर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, है ना, तो इसमें से मान लो क्या कहते हैं कि जो बी है ना, वो गन्स लेके आया, है ना, एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, सी ने क्या किया कि एक पर्टिकुलर जगह पे उसने क्या कहते हैं कि लोगों को इकट्ठा किया, है ना, मास इकट्ठा किया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि एक ने पैम्फलेट छपवाए, है ना, जिसमें मान लेते डी है यहाँ पे, है ना, तो डी ने क्या कहते हैं कि पैम्फलेट छपवाए। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं कि इन लोगों का पीआर टीम भी तो होगा ही, है ना, तो पीआर टीम कौन हैंडल कर रहा है, ई हैंडल कर रहा है ना, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं। अब इस बीच में क्या होता है, पैम्फलेट्स बांटने के लिए, है ना, क्या कहते हैं कि पैम्फलेट जो बांटने वाला इंसान रहता है वहाँ पे ए आ जाता है, ए को पता है इसके बारे में। ठीक है, ए को कॉमन, ए को सारी चीज़ें पता है कि इस वजह से हो रहा है, इस वजह से, और ए जो है वॉलेंटरली वैसा कर रहा है। ठीक है, अब ए जो है वॉलेंटरी ऐसा कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो कर रहा है वो क्योंकि, ठीक है, तो उसे बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन मिला है अपने भाई लोगों से करने का। तो अब यहाँ पे जिस दिन से इंटेंशन फॉर्म हुआ है इन लोग के बीच में, ठीक है, जब इंटेंशन, मान लो इनिशियली जो थे बी और ई साथ में थे, बी सी साथ में थे, ठीक है, अब क्या हुआ, जिस दिन बी एंड सी ने ये इंटेंशन फॉर्म किया, उस दिन से जो भी एक्ट हुए, लाइक गन लाना, मास इकट्ठा करना, उन सब के लिए ए रिस्पॉन्सिबल होगा, ए के अगेंस्ट सब चीज़ें यूज करी जा सकती है। ऑल द फर्क नहीं पड़ता कि ए जो है वो लेटर स्टेज में आया है या ए जो है पहले आया बाद में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ता है कि जस्ट उसका पार्ट होना चाहिए। उसके वैसे जिस दिन से इस कंस्पिरेसी का इंटेंशन फॉर्म हुआ, उस दिन से जो भी एक्ट्स हुए वो उसके रिस्पॉन्सिबल होगा। और छोड़ भी देता है, मान लो चलो पैम्फलेट बांटा, उसने बोला कि ये तो मुझे काम गलत लग रहा है ना, ये मकसद सही नहीं है, मकसद पूरा नहीं मिलेगा, उसका मकसद से मन भटक गया। अब क्या कहते हैं यहाँ पे, अब जब उसका मन भटक गया तो वो छोड़ देता है, उसके बाद भी जो सब जो चीज़ें होती है ना, ये जो सोशल मीडिया पे जो पीआर टीम में जो ई पोस्ट कर रहे थे सारी चीज़ें, सबके लिए ए रिस्पॉन्सिबल होगा, ए के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें रेलिवेंट हैं, समझ आया। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, इसी केस में बेसिकली बात कही गई थी, फिर उसका दूसरा केस बताती हूँ कि ये जो भी एविडेंस दे रहे हैं ना को कंस्पिरेटर, है ना, अब ये नहीं है कि उनके फेवर में यूज होगी, हाँ वो जो एविडेंस है को कंस्पिरेटर का सिर्फ और सिर्फ तभी यूज होगी जब उनके अगेंस्ट में है। फायदे की चीज़ क्यों, क्योंकि एक तो वैसे वो लोगों ने कंस्पायर किया है ना, तो यहाँ पे भी तो उनकी कंस्पिरेसी चल ही सकती है ना, तो जो उनके अगेंस्ट में होगा सिर्फ और सिर्फ वही यूज किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि हाँ, एक बहुत अच्छा केस है, इस केस का नाम है, इस केस में बेसिकली ये हुआ था ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जो ए था, ए ने सब चीज़ें छोड़ दी थी लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल था। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, एक केस है, इस केस का नाम है शीतल सिंह वर्सेस एम्परर। ठीक है, तो इसमें मान लो क्या कहते हैं कि वही केस मान लो, है ना, ए बी सी डी ई, अच्छा इलस्ट्रेशन आप रीड कर लेना, मिलता जुलता सही है ना, कुछ उसमें ऐसा भारी नहीं है, है ना, तो ये मान लो ये लोग हैं, है ना। अब क्या हुआ, मान लो इसमें से एक पकड़ा जाता है, कोई भी, कौन पकड़ाएगा, ई, पी आर टी, है ना। अब क्या हुआ,
अब जब ई को पकड़ लिया गया उसके बाद ये लोग मिल के कुछ भी करे, इन लोगों के साथ मान लो और लोग आ जाए एक्स वाई जेड, है ना, पकड़ा गया, ये पुलिस के पास है, अरेस्ट हो चुका है ना, अब ये कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद जो भी हो रहा है ना, मान लो ई ये मान लो जब ये लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर वेज करें तो उसमें इतने सारे स्टेप इन्वॉल्व है, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना 9, ऐसे मानो 9 स्टेप इन्वॉल्व है। ये चौथे स्टेज से ही चला गया, ई पकड़ा गया, अरेस्ट हो गया। इसके बाद जो भी चीज़ें हो रही हैं, पांचवा छठा सातवा आठवा नौवा स्टेप, उसके लिए ये मतलब इसके अगेंस्ट वो यूज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसके अगेंस्ट वो रिलेवेंट नहीं होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब इस पर जो है एजेंसी का जो कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि नेचुरल है, अगर पुलिस के पास है तो वैसा कुछ कर ही नहीं सकते हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर, है ना। किसी भी तरीके का डाउट हो कुछ सो डू आस्क मी, डू मेंशन इट, ओके। आई एम मोर देन हैप्पी टू इम्प्रूव एंड टू सर्व यू। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।